तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे भी आप गाइस, आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ है, मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, मम्मी पापा घूमतर गए हैं, तो मैं और मेरी वाइफ अकेले हैं। तो आज है संडे, आज मैं सुबह नहीं उठाऊँ, आज मैं लगभग तकरीबन 7 बजे उठाऊँ और एक्सरसाइज भी नहीं की है। गाइस हाथ मुँह धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और आज करते हैं हम अपने दिन की शुरुआत। इस ब्रेकफास्ट हो चुका है, मुँह धो लिया है, खाना खुना खा लिया है, अभी आया हूँ थोड़ी देर काम करने, थोड़ी देर काम करेंगे उसके बाद जाएंगे नीचे खाना खाने और शाम को देखते हैं गाइस आज कहीं घूमने जाएंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो घूमने जाएंगे मैं और मेरी वाइफ कहीं पे पंडो में ही। तो खैर गाइस अभी करते हैं थोड़ी देर काम और फिर चलते हैं खाना खाने नीचे। गाइस कर रहे हैं मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम, देख सकते हैं आप लोग क्या हो रहा है। ये क्या कर रहे हो आप? ये कर रहा हूँ मैं काम। अच्छा काम कर रहे हो, ओके। तो फिलहाल गाइस लंच टाइम हो गया है, मैं आ गया हूँ लंच करने नीचे, अभी खाना खुना खाते हैं। और मेरी वाइफ सो गई है अभी, उसका नेट ख़त्म हो गया है, इसके लिए हॉटस्पॉट के लिए मुझे आवाज़ डाली थी ऊपर को बिग बॉस देख देख के। खैर गाइस अभी जो है लंच करते हैं और उसके बाद शाम को जाएंगे नीचे बाजार घूमने। तो फिलहाल गाइस अभी हम घूमने जा रहे थे बाजार के लिए, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था क्योंकि बारिश लग चुकी है और वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले तक तो धूप खिली थी, परंतु जैसे ही हमने जाने का विचार किया और बारिश शुरू, तो फिर गाइस थोड़ी देर काम कर लेते हैं, अगर बारिश सूख जाती है तो हम बाजार जाएंगे, अगर नहीं सूखेगी तो फिर नहीं जाएंगे, फिर कल या परसों तक जाएंगे। तो फिलहाल गाइस बारिश जो सूखने का नाम नहीं ले रही है। आप वो वाली चीज़ क्या जो मैंने देखी थी दिन को, रुको। तो फिलहाल गाइस बारिश जो सूखने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बारिश गिर रही है, कंटिन्यूसली लगातार बारिश गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। फिलहाल गाइस हमने जो है बाजार जाने का क्या हुआ रात जला। फिलहाल गाइस बाजार जाने का हमने जो है प्लान जो कैंसिल कर दिया है, किसी और दिन जाएंगे। बारिश लगातार होने की वजह से रास्ता थोड़ा फिसलन भरा है, गिरने का डर रहेगा, तो हम सोच रहे हैं कि किसी और दिन जाएंगे। आज जो है हम घर में रह के कुछ बनाएंगे अभी। चाओ बेला चाओ 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 योना पीना लोहा सिक्योरा जो माने पी सो मोरे काना यो माना पानी यो सामाना ला यो बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ 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 योरा सेना सोना पैसारे पोती पोती कोमे चाटी। अभी ठंड के टाइम आलू के परांठे और चाय बनाएगी अभी ये। क्या क्या गर्म आलू फ्रिज से निकालोगे तो गर्मी निकलेंगे। फ्रिज से तो नहीं निकाले। तो गाइस अभी जो है आलू को जो है ग्राइंड कर रही है, ग्राइंड नहीं क्या बोलते, क्रश कर रही है। कद्दूकस नहीं, इसको क्या बोलते हैं, क्रश। यस, जो है आलू के परांठे कुछ अलग ढंग से बनने जा रहे हैं। ये क्या डाल रहे हैं मिर्चे? तो गाइस अभी डाल रही है रेड चिलीज और ये कह रही है कि कुछ अलग ढंग से बनेंगे इस बार जो है आलू के परांठे। बस हो तो गाइस ये जा रहा है अभी क्या है, ये क्या है, ये है अजवाइन, जो जिसे क्या कहा जाता है, योगा समझ के लॉ फ्रेंच में कहा जाता है इसको, योगा समझ के फ्रेंच में कहा जाता है इसको ऐसा। खैर गाइस ये जा रही है हल्दी, इसको कहा जाता है यूरेनियस योगा प्लस के बस, ये इसको जर्मनी में कहा जाता है ऐसा। और अभी क्या ढूंढा जा रहा है, मसाले से भी होता ठीक नहीं, थोड़ी सी मसाले डालना जरूरी है। सिर्फ दो परांठे बनाएंगे हम, सिर्फ अभी के टाइम इवनिंग के टाइम के लिए चाय और पराठा और अभी और इंग्रेडिएंट्स और ये क्या रहा है, नमक, नमक जो है देश का नंबर वन नमक टाटा नमक। अब और क्या डालूं, और ढूंढ रहे हैं बहुत कुछ डालने को, चाय पत्ती भी, चाय डाल दूं जैसे चाय पत्ती नहीं डाल सकती मैं। सिखाया सब इस तरह का परांठा अमेरिका से सीखा मैंने, ये जो गाइस इसने युगांडा से सिखाया ऐसा कह रही है। ये है अलग, ये कोदरे का आटा डाल, किस तरह से इस लेप को तैयार किया जा रहा है मेरे को समझ नहीं आ रही। इसको परांठे खाएंगे हम कि मुंह पे लगाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि परांठे बन रहे हैं कि चिल्लू बन रहे हैं। परांठा आपने कभी देखा नहीं होगा, पूरा एकदम गोश्त की तरह आलू आटे को मिक्स करके, आलू और आटे को मिक्स करके इस तरह का परांठा बनाया जा रहा है। परांठा मैं ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी लाड़ी का परांठा,
आलू और आटे का मिक्स परांठा बहुत ही अच्छे, आपको तो मास्टर शेफ बनना चाहिए। मेरी बारी है परांठा बनाने की। आप देख सकते हैं इस तरह का जो है लीप बना है, इसका परांठा बना रहे हैं हम। और ये गाइस बस तो सो गया। तो गाइस ये है फैसले की घड़ी, अगर मैं इसको सही ढंग से उतार पाया तो मैं हीरो कहलाऊंगा, अगर नहीं तो जीरो। और ये रहा गाइस, क्यों हिला रहा ना। तो फाइनली गाइस परांठे भी हो गए हैं, चाय भी बन चुकी है। मैं और मेरी वाइफ चाय और परांठे का लुत्फ उठाते हुए इस भयंकर बारिश के मौसम में। गाइस अभी तो बारिश सूख चुकी है परंतु थोड़ा लेट हो चुका है, 7 बज चुके हैं, तो अब हम नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। खैर गाइस बस आज के ब्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को फटाक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। अब मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ एंड बाय बाय।